गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग सर। गुड यस, इवनिंग सर, एज गुड यू इवनिंग सर, हैव फाइन रिक्वेस्टेड, सर। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। स्टूडेंट्स प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। ओके, सो गुड लास्ट इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, अदर्स आल्सो, थिया, निहाल, स्नेजा, ऑल अदर स्टूडेंट्स। ओके, सो लास्ट क्लास आई थिंक वी डिड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक्स, डू यू रिमेम्बर? एंड आई हैड गिवन द फॉर्मूलाज, सो वील जस्ट रिवाइज दोज फॉर्मूलाज अगेन। डू यू ऑल रिमेम्बर द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? ओके, आर एफ, टेल मी वॉट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला? PNR upon 100. PNR ओके, एंड व्हाट आर द टर्म्स? PNR क्या है बताओ? प्रिंसिपल, नंबर ऑफ इयर्स, टाइम, नंबर ऑफ इयर्स। करेक्ट, एंड आर इज रेट. वेरी गुड। ओके, हु विल टेल मी द फॉर्मूला फॉर? यस अंशिता, बोलो। सर कंपाउंड इंटरेस्ट. सर द फॉर्मूला To find the amount or the compound interest नो, itself. जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। Okay, sir. Sir, it will be P means principal, and in brackets, rate of interest plus 1 plus rate upon 100, ओके, 1 whole plus rate upon 100 raised to the power of the number of years. So एंड this is the amount, so minus principal. करेक्ट, दिस पार्ट इज अमाउंट, वेरी गुड। एंड इसमें से अगर हम प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आई हैव सेड वन मोर थिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट? याद है किसी को दैट सर आई? फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर द सेम. हाँ करेक्ट, ये आपको याद रखना है। फॉर एनी गिवन प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इयर्स, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, अभी आपको मैंने ये सिखा दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, दैट मेथड कैन बी यूज्ड इफ यू हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूला। ओके, और इफ यू फील दैट सॉल्विंग दैट मेथड इज इजियर देन यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, याद है ये सब? यस सर. ओके, इसको अगर ये फॉर्मूला कर इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, ओके, नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव टू रिमेम्बर इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ टेल मी विच विल बी मोर ऑलवेज इफ यू हैव कंसिडर फॉर मोर देन वन ईयर? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर, करेक्ट? ये स्टूडेंट्स, यस सर, प्लीज। तो अगर आपको अभी पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर्स अगर है, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2, सो देर इज अ फॉर्मूला, एंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स 3 देर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला। ओके, सो फॉर 2 ईयर्स इट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू। ओके, दिस इज वेन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज टास्क। इज दिस क्लियर?
आप ये नोट डाउन करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड. अगर आपको पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना होता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है और उसका डिफरेंस पूछा है, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, विल गेट द सेम आंसर। सो यू जस्ट नोट इट डाउन विद एन एग्जाम्पल, यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, ओके सर. सर नोटेड। सर बट ओवर हियर दे हैव मेंशन द इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स. यस देन, सर सो देन हाउ आर वी एबल टू फाइंड इट, लाइक फॉर व्हाट टाइम पीरियड? इट इज 2 ईयर्स ओनली ना, जब मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 ईयर्स का ही फाइंड आउट करना है। ओके सर गॉट इट. दिस फॉर्मूला इज ओनली व्हेन द क्वेश्चन सेज 2 ईयर्स। ओके, अभी आप एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल इज लेट से 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2। नंबर ऑफ ईयर्स वो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 2 नहीं लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, अभी आपको समझ जाना है कि नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। इज इट क्लियर? सो वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम एंड में यूज करेंगे, पहले हम ये मेथड से यूज करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको पता चले ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो अभी पहले तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 5,000 इंटू 10, 2, 5,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100 थाउजेंड. सो 2 0 इज 2। करेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अभी क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 5,000। अभी देखो ये याद रखो, 1 r/10 100 के लिए, 1 + 10 अपॉन अगर 100 है ना, तो दिस विल कन्वर्ट टू 11/10। कैसे, ये देखो, अभी 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, 1 + 1/10। अभी आपने फ्रैक्शन सीखा है, सो व्हेन 1 इज डिनोमिनेटेड इज 10 एंड हियर इट इज 1, सो एलसीएम इज 10, तो यू टेक एलसीएम 10, 1 will go in 10 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, तो आप लिखोगे 10 + 10 will go in 10 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, सो +1, तो क्या आया, 11/10। समझ में आया? यस यस सर. सर। तो ये सिर्फ मैंने 1 + r/100 का सॉल्व किया है। अभी नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, यहाँ पर 2 है, करेक्ट, तो क्या आएगा आपको, into 11 into 11 upon 10 into 10। इज दिस क्लियर? सर -5,000, सो 0 एंड 0 कैंसिल, यर ऑल्सो 0 एंड 0 कैंसिल। ओके, सो फाइनली वॉट वी गेट यर इज 50 into 121 -5,000। अभी इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लीकेशन, डू यू नो, कैन यू सी दैट यर ऑल्सो वी हैव अ 50, सो कैन वी राइट दिस 50 into 121 -5,000 एज 50 into 121 -50 into 100। तो 200. यहाँ पर दोनों जगह 50 कॉमन हो जाएगा, इसमें से हमने 50 into 100 बना दिया। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, सो 50 इज कॉमन, सो विल राइट 50 आउटसाइड, देन इनसाइड यू हैव 121 -100, तो क्या बचेगा, 50 into 21 इज हाउ मच, 105। 1050 1050. ओके, अभी ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 1000 सो व्हाट इज द डिफरेंस।50 50. ओके,
नाउ लेट्स से इफ यू डोंट हैव दैट फॉर्मूला, तो आपने देखा हमें दोनों सॉल्व करने में कितना टाइम गया, पहले सिंपल इंटरेस्ट देन कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू चेक वेदर इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। सो द फॉर्मूला इज पी इंटू आर अपॉन 100 रेज टू 2। तो क्या आएगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 रेज टू 2। सो 0 0 कट, सो वॉट वी गेट, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 10, करेक्ट, 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 0 0 एंड 0, सो वी आर लेफ्ट विथ 50 इंटू 1 विच इज 50। समझ में आया फॉर्मूला? यस सर। सर सो यू हैव सीन हाउ मच लेस द, कैन यू गो टू द एक मिनट कैन स्टूडेंट्स यू गो लिसन लिसन, पहले है ना आप, मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, लिखने के जगह मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ मच टाइम वी आर सेविंग यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो इफ यू ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन एग्जाम, ओके, व्हेन द डिफरेंस इज आस्क्ड इट विल बी मच इजियर फॉर यू ऑल टू सॉल्व इट, अदरवाइज यू कैन यूज द बेसिक फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। या दोज हू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। सर कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर अ मिनट पहले इस आई पे एम लिख लो राइटिंग जिनको फॉर यहाँ पर नोट्स। लिखना है, देर आर सम स्टूडेंट दोज आर स्टिल ऑन दिस स्लाइड राइटिंग, सो लेट देम राइट ओवर हियर एंड देन आई विल गो। सर यू आर एक्सप्लेनिंग द स्पेशल लाइक फॉर्मूलाज यूज फॉर शॉर्टकट। हाँ तो वही मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये वाला शॉर्टकट जो है हाँ यहाँ पर, वही तो किया है हमने। हाँ ओके सर। सर वी कैन नॉट यूज दिस मेथड फॉर 3 एंड 4 ईयर्स राइट। 3 ईयर्स के लिए एक अलग फॉर्मूला है, 4 ईयर्स के लिए से कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, 3 ईयर्स के लिए भी और एक फॉर्मूला है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सर इफ वी नीड टू फाइंड फॉर 4 ईयर्स कैन वी मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 2। नहीं, डिफरेंस होता है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार क्या होगा आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। याद है मैंने बताया था कि जो पहले ईयर का इंटरेस्ट आएगा वो सेकेंड में ऐड होगा, थर्ड वाला ऐड होगा, फोर्थ ऐड होता जाएगा, यस तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ इंटू टू ओके टाइम्स हो सर। जाएगा, बट वो एडिशन पार्ट रह जाएगा। ओके सर थैंक यू गॉट इट। डन राइटिंग, यस सर। हाँ बोलो प्रिया। सर आई ज्वाइंड अ बिट लेट आई अंडरस्टूड व्हाट रिटन
Just I wanted to ask one doubt. The rate of interest should be 10% only, or it can be any percent? It can be anything. I have given an example here. It is not mentioned that it should be 10%, okay? It can be anything, 5, ओके 28, anything you want. okay. Okay? Example 10% there because ओके solving is easy. Otherwise, it will be more difficult for us to solve. Okay, now if they have ओके asked us for थैंक यू. 3 years, so the formula changes a little bit, okay? And remember, your principal number of years and rate should be same, okay? If they are two different things. We cannot so use this method. The first part is same as for 2 years, okay? इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन 100 प्लस 3. सो यू कैन सिंप्लीफाई दिस एज प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर अपॉन 100 द होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 300 अपॉन 100. ओके, ये प्लस 3 को मैंने यहाँ 300 कन्वर्ट करके अपॉन 100 कर दिया है. इज दिस क्लियर? ओके, सो लेट्स टेक प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, नंबर ऑफ इयर्स इज 3 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10. सो विल जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड गेट द आंसर नाउ. सो प्रिंसिपल इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 300 अपॉन 100. Sir, we are doing the worksheet right now, right? नो अंशिता, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू. Okay, sir. तो दिस इज व्हेन 3 इयर्स. आई हैव नॉट येट स्टार्टेड द क्वेश्चंस. इसके बाद हम क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, प्लीज पे अटेंशन. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वील गेट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 10 इंटू 310 अपॉन 100. सो 2 जीरोज, 2 जीरोज कैंसल्ड, दिस 1 जीरो एंड दिस 1 जीरो, दिस वन एंड दिस वन. So what is left with you? Only 31 rupees. So the difference is 31. Is this clear, everyone? यस सर, अगर अभी आपको यस सर, चेक करना है तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट विल बी हाउ मच? 1000 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 100 कितना होगा? 300, राइट? यस सर, सिंपल यस इंटरेस्ट सर, 300 आएगा. अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. अभी आपको पता है जो ब्रैकेट सॉल्व करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 3 माइनस 1000. अभी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है पता है आपको? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू सर इलेवन वन, इंटू इलेवन यस अपॉन यस 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1000. सो दिस 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000 एंड दिस इज ऑल्सो 1000 कैंसिल. 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है? 1331. माइनस 1000 करोगे तो आपको आंसर आएगा 331. दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ द डिफरेंस इज हाउ मच? 331 माइनस 31. 300. तो आंसर कम्स आउट टू बी 31. अंडरस्टूड? सो दिस इज योर फॉर्मूला.
प्लीज नोट दिस डाउन। Sir, are these formulas given in the textbook? No, it is not given. Simple interest and compound interest formula is given, no? Those two formulas is given, not for the difference. Okay, sir. Sir, in this 3 years formula, between the bracket, is it Yeah, multiplication it is sign or addition multiplication. Here sign? also we have done multiplication. यहाँ पर भी multiplication किया है. This is multiplication. Okay, sir. Sir, can you go to the previous slide 1 second? I just copied down the formula. बट 3 इयर्स का तो यहां पर ही लिखा है मैंने, नो सर, द 2 years वाला. तो जब टाइम दिया तब आप क्यों नहीं करते हो ऋषिक? डन एज एवरीवन फिनिश्ड राइटिंग। नो सर, 1 मिनट. यस सर. यस सर. So now let's start with the worksheet, okay? Okay. Question number one. The compound interest on so much amount at 7% for dash years is 4347. Okay, so the principal is 30,000, rate of interest is 7%, and your compound interest is given as 4347. Now see, either you can check each and every option and then get the answer, okay, or otherwise what we'll do, we'll just solve it using simple interest one, क्योंकि अभी 7/100 आएगा. देखो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, 30,000 इंटू 1 + 7/100 रेज टू जो भी आप नंबर ऑफ इयर्स लोगे -30,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 107 आएगा ऊपर, ठीक है, एंड देन 100 से आप कैंसिल करोगे, बट कितने बार करना है हमें वो नहीं पता है. तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला में 2 यूज करके चेक कर सकते हो अगर आपको करना है तो, या तो फिर हर बार सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो और उसमें ऐड करके आप एक बार चेक कर सकते हो. तो अभी यहाँ पर आप 30,000 ले लो (multiplied by 7) (multiplied by) अभी नंबर ऑफ ईयर 2, 3, 1.5, 2.5 है, ओके. तो ऑप्शन आर गिवन एज 2.5,
टू, सेकेंड ऑप्शन इज थ्री, थर्ड ऑप्शन इज 2.5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1.5। सर कैन यू शेयर द वर्कशीट ऑन द इट इज ग्रुप? आई ऑलरेडी डोंट शेयर्ड ऑन द हैव द ग्रुप, इट इज वर्कशीट राइट ऑलरेडी नाउ शेयर्ड ऑन द ग्रुप, इट इज शेयर्ड मैम. लास्ट टू सर आई सेशन। डोंट हैव इट. सर यू एडेड लेटर ऑन. Yeah, I've shared it again. So we'll just ignore these two options, okay, for now. So either check with two or three, okay? So let's consider either here you put two or three, or here you can put that one, okay? So for every year, first we can find out. So ये दो जीरोस कट, सो पहले साल का हो जाएगा 2100, ओके। अब ये 2100 आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है। अभी आप ये क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा 3210 मल्टीप्लाइड बाय 7 × 1/100। हर बार हमें वन कंसिडर करना है, ओके। वैसे 2 ईयर्स हो गए, बट वन वन से आप कंसिडर करोगे। अभी 3210 करोगे तो क्या आएगा, 7 14 4 1 कैरी ओवर, 21 + 1 22, 2247। अभी देखो आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको आंसर आ रहा है 4347। समझ में आया? तो आपका आंसर क्या है, 2 ईयर्स। फिर से समझाता हूँ हमने क्या किया है। हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया है अभी। आपको अगर ये करना है तो आप ये कर सकते हो, बट वी हैवेंट यूज इट ओवर हियर। व्हाट आई यूज दिस, द इजियर मेथड और द लॉजिकल मेथड विच वी यूज फॉर फाइंडिंग आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया, आ गया 2100। सेकेंड ईयर में क्या करते हैं हम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, तो 3210 हो गया। समझ में आया यहाँ तक? दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर। सो वेन वी गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, वी गेट एज 2247। अभी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, 4347, विच इज आर आंसर ओवर ईयर, मैचिंग ओवर ईयर। सो हम नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स इज टू। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस अदरवाइज यू यूज दिस फॉर्मूला एंड हियर ऑल्सो यू विल हैव टू चेक, टू या थ्री से ही चेक करना होगा, तो दैट्स अप टू यू, ओके। सो आई जस्ट शो द वर्किंग पार्ट ऑफ दिस वन, ओके। इफ वी यूज 30,000, ओके, द फॉर्मूला 30,000 × 107 × 107 upon 100 upon 100 -30,000। सो 2 × 2 = 4 and 4 zeros कट, सो यू हैव 3 × 107 स्क्वायर -3 × 100 स्क्वायर, करेक्ट? दिस इज 100 स्क्वायर, राइट? 10,000। अभी आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, 3 कॉमन लोगे, 107 स्क्वायर -100 स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस पार्ट, ओके, दिस कैन बी डन एट होम। तो पहले आप ये वाला पार्ट, स्टूडेंट्स इफ कैन यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट्स, और यू वांट टू नोट इट डाउन कंप्लीटली, बिकॉज सी फॉर्मूला इज ऑलरेडी यू हैव, सो यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन। दिस पार्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो आइदर यू जस्ट नोट डाउन दिस वर्किंग पार्ट, ओके, एंड दिस वर्किंग पार्ट, सो दैट वी कैन मूव अहेड क्विकली, एज वी नीड टू कंप्लीट, ट्राई टू कंप्लीट एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। देर आर 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 हम करेंगे क्लास में। Can you go to the next line? Just wait for a minute. Let those who are on this slide, let them complete. Sir, we can also go by options, right? हाँ, बट ऑप्शंस में क्या होता है, अगर जिस दिन आंसर आपका नन ऑफ दीज रहेगा तब इश्यू आएगा, आप टाइम स्पेंड करोगे ना बहुत। अगर यस सर, लेट से आपको पहला ऑप्शन 4 3 2.5 1.5 दिया है, या नहीं फिर नन ऑफ दीज दिया है 1.5 के जगह, आप चेक करोगे सबसे तो आपको आंसर तो नहीं आएगा,
तो फिर आपको बाद में दोनों ऑप्शन चेक करने के बाद आपको पता चलेगा, अरे ये तो आंसर नन ऑफ दीज है। ओके चलो, नाउ वील मूव अहेड विथ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू सेज इन हाउ मेनी इयर्स रुपीज 150 शो द प्रीवियस डन अंशुमन। यस सर। इन हाउ मेनी इयर्स रुपीज 150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके, विच 800 प्रोड्यूसेस इन 3 ईयर्स। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4.5% पर एनम। तो आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेट करना है, समझ में आया, और नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा सिंपल इंटरेस्ट का? पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो 150 इंटू 8 इंटू एन अपॉन 100 इज इक्वल टू 800 इंटू 3 इंटू 4.5 अपॉन 100। ओके, 100 एंड 100 कैंसिल डायरेक्टली, यस और नो? सो नाउ यू हैव टू फाइंड द यस वैल्यू ऑफ एन। सो एन इज इक्वल टू 800 इंटू 3 इंटू 4.5 अपॉन 150 इंटू 8। सो 8 इंटू 1, 8 इंटू 100, 3 इंटू 1, 3 इंटू 50, 50 इंटू 1, 50 इंटू 2। सो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया आपका? 2 नाइन इंटू इयर्स 4.5 विच इज 9 ईयर्स। सो यहाँ पर आंसर क्या है? एन इज इक्वल टू 9 ईयर्स। सर ऑन दी लेफ्ट इट इज अनदर सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट नो ऑन दी राइट साइड इन दी क्वेश्चन। हाँ, दोनों लिखा है मैंने बोर्ड पे स्टूडेंट्स, एक ओके है सर 158%, एक है 800 एंड 4.5%। सो बोथ आर सेम ओनली। सी, रीड द क्वेश्चन, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? व्हाई डोंट यू रीड द क्वेश्चन? व्हाट दे हैव गिवन अस इन द क्वेश्चन? इन हाउ मेनी इयर्स रुपीज 150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एज 800 प्रोड्यूसेस इन 3 ईयर्स एट 4.5% पर एनम। तो आपको दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वेट करना है। इफ यू रीड द क्वेश्चन यू विल गेट एन आइडिया, एंड व्हेन आई से, व्हेन आई वाज रीडिंग द क्वेश्चन आइदर यू पे अटेंशन। ओके, हियर दे हैव गिवन अस, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है सेम होना चाहिए इसके साथ, इसीलिए ये हमने इक्वेट किया है। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट 1 फॉर दिस फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट 2 फॉर दिस पार्ट। सो द इंटरेस्ट इज सेम, नॉट द क्वेश्चन इज नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, यू नीड टू इक्वेट देयर सिंपल इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। फिनिश राइटिंग, यस सर।
इन क्वेश्चन नंबर 3 दे हैव गिवन अ सम ऑफ रुपीज 12,000, दैट मीन्स योर प्रिंसिपल इज 12,000, इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स. सो अमाउंट कितना हो गया है? अमाउंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर्स इज 5. इज दिस क्लियर? नाउ दे हैव आस्क्ड अस, व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स इज 20, अमाउंट विल बी हाउ मच? ओके, क्वेश्चन का पार्ट क्लियर है? दिस इज आस्क्ड, यस सर। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अमाउंट का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स इज 5. ओके, अमाउंट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, करेक्ट? यस यस। और नो? ओके, नाउ प्लीज पुट ऑल द वैल्यूज ओवर योर. तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इट रिमेन्स आर ओनली, रेज टू 5 इज इक्वल टू 24,000. इज दिस क्लियर? यस सर। तो कैन वी राइट 1 + R/100 रेज टू 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 2. देखो, 24,000 डिवाइड बाय 12,000 करोगे तो 2 ही आएगा आंसर. समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, यस सर। वॉट इज द यस रिलेशन सर। बिटवीन 5 एंड, नो सर। क्या नहीं समझा आपको? सर फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द टू अमाउंट 24,000 फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 12,000 करोगे तो क्या आएगा? टू। इसीलिए 2 आया. और आप क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 5 साल के बाद प्रिंसिपल जो है वो डबल हो गया. तो प्रिंसिपल डबल कब होता है? अमाउंट में कन्वर्ट होएगा तभी. तो अमाउंट इज डबल ऑफ प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 2 टाइम्स ऑफ पी ओवर योर एंड योर ऑल्सो. इज दिस क्लियर? यस ओके, 5 एंड 20 में क्या रिलेशन है? सर। 20 इक्वल्स टू फाइव टाइम्स फोर। वेरी गुड, 5 × 4 इज इक्वल टू 20. इफ आई राइट ए रेज टू 5 द होल रेज टू 4, व्हाट विल दिस बिकम? ए रेज टू 20, 8 इक्वल 20। ये यस सर। आपको इंडाइसेस से यूज करना है. ओके, इंडेक्सेस से आपको ये यूज करना है. अभी ये पार्ट है हमारे पास और यहाँ पर 2 है. ओके, सो वील राइट 1 + R/100 रेज टू 5 द होल रेज टू 4 विल बिकम. अभी हमने क्या किया है इसमें, चेंज क्या किया है सर यहाँ 2 रेज टू 4। चेंज किया? 2 रेज टू 4. वेरी गुड. ओके, दैट मीन्स योर अमाउंट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स नाउ? प्रिंसिपल विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स? 1 + R/100 रेज टू 20 विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स? 16 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, करेक्ट? यस और नो? अगर दोनों यस साइड सर। पे प्रिंसिपल से यस मल्टीप्लाई सर। करें तो क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब 20 साल बाद आपका जो अमाउंट है, ओके, आफ्टर 20 ईयर्स अमाउंट इज इक्वल टू 16 टाइम्स प्रिंसिपल. 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल सर अभी वाई कैलकुलेट, 16 दो। 2 रेज टू 4 इज 16, दैट्स वाई हमने कैलकुलेट करके लाया. ये कोई ऐसा कंफर्म